हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय टीचर वैकेंसी हम यहां पर कवर करने वाले। एज लिमिट 18 to 65 ईयर्स है, तो एज लिमिट अच्छी है। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती। सीधे हम वेबसाइट पर चलते हैं और सारी डिटेल कवर करते हैं कि कहाँ से नोटिफिकेशन है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लास्ट डेट क्या है, किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है, बाकी की सभी डिटेल। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहाँ पर है प्रशिक्षित स्नातक संविदा शिक्षक यहाँ के लिए आवेदन फॉर्म एवं शैक्षिक अर्हता की विस्तृत जानकारी। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं हम। ये पीडीएफ इस तरीके से नजर आ रही है और इसको सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ से आई है। केंद्रीय विद्यालय 39th BNSSB गडनिया पालिया कलन से आई हुई है। तो एक बार हम पालिया कलन चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर है और उसके बाद डिटेल चेक करेंगे। सब्जेक्ट्स 3 है यहाँ पर। पहले सब्जेक्ट्स आप देख लें, इंग्लिश है, मैथ्स है एंड संस्कृत है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है फिलहाल, क्योंकि पालिया कलन से मुझे लग रहा है पहले भी आई थी नोटिफिकेशन, तो कुछ पोस्ट जो वैकेंट रह गए होंगे उनके लिए फिर से निकाली गई है एडवर्टीजमेंट या समथिंग लाइक दैट। तो पालिया कलन कहाँ है हम देख लेते हैं। TGT इंग्लिश संस्कृत एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन भी हम कवर करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है पालिया कलन की। अब इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉर्नर में आपको मिलती है कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस में जब हम जाते हैं तो कॉन्टैक्ट अस में जाकर आपको एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट भी पता चल जाती है और स्टेट भी यहाँ पता है। स्टेट लिखी हुई उत्तर प्रदेश यूपी की है और डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर। तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से ये नोटिफिकेशन है। अब हम देख लेते हैं कि क्या डिटेल्स है। तो ये इस तरीके से 3 सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया, पीजीटी नहीं है, पीआरटी भी नहीं है, सिर्फ टीजीटी है। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स है जिनमें इंग्लिश संस्कृत एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले ऊपर में दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है 2021-22 के लिए, मींस 1 एकेडमिक ईयर के लिए है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करनी है और उसके बाद डोंट सेंड एनी डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भेजें आप ईमेल आईडी पर, बट आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच ना करें। प्लीज ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ओरिजिनल्स लेके जाने हैं, बट फिलहाल आप एप्लीकेशन जो ये ऊपर थी इसको डाउनलोड करें, फिलअप करें, इसे ईमेल आईडी पर भेज दें। इसकी लास्ट डेट यहां पर मेंशन नहीं की हुई है। एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी इन्होंने पब्लिश की है, वहां पर लास्ट डेट दी हुई है, तो वो एक बार हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। द टीचर शुड पजेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट अवेलेबल ऑन KVS वेबसाइट। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट 18 and 65 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। सीटेट लेवल 2 फॉर TGT क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड बी कंपल्सरी। तो सीटेट लेवल 2 क्लियर होनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाना जरूर आना चाहिए और इसके साथ में TGT संस्कृत एंड इंग्लिश के लिए दी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ एंड इन एग्रीगेट एंड 50% इन कंसर्न सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट एंड बीएड भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश एंड या फिर संस्कृत सब्जेक्ट से। TGT मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए सेम, बीएड होनी चाहिए एंड सीटेट 2 क्वालिफाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर इंग्लिश एंड संस्कृत में सीटेट 2 क्वालिफाइड नहीं लिखी है बट ऊपर लिखा है मैंडेटरी है, तो फिर ये चीज आप चेक कर लें एक बार। और इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट इस तरीके से इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, बैचलर डिग्री इन मैथ्स में कौन एप्लीकेशन डाल सके अप्लाई कर सकेंगे TGT के लिए, वो है कि डिग्री होनी चाहिए मैथ्स में और कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से होनी चाहिए, आपने पढ़ी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं और इसके बाद सीटेट 2 क्लियर होनी ही चाहिए, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इस तरीके से। सैलरी मेंशन नहीं की हुई है, लास्ट डेट यहाँ मेंशन नहीं की हुई है लेकिन एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी इन्होंने पब्लिश किया है तो वो एक जरा देख लेते हैं हम लास्ट डेट के लिए। तो ये देखें एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी इस तरीके से, गदनिया पालिया कलन खीरी उत्तर प्रदेश, इसमें लास्ट डेट लिखी हुई है केंद्रीय विद्यालय 39th वाहिनी SB गदनिया पालिया कलन 2021-22 के लिए अनुबंध अंशकालिक पूर्णतया अस्थायी पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित संस्कृत अंग्रेजी के लिए पैनल बनाने हेतु आवेदन
आमंत्रित करता है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं, ईमेल आईडी जो दी हुई है। तो 31 में देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर लास्ट डेट नहीं दी हुई, ये न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने अपने जीमेल पर रखी थी। तो साक्षात्कार जून महीने में कराया जाएगा, जिसकी जानकारी ईमेल के द्वारा सूचित की जाएगी एवं विद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है, इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजनी है। जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जून के मंथ में इंटरव्यू के लिए, तो ईमेल पर या फिर आपको वेबसाइट भी चेक करनी है। वेबसाइट पर आपका नाम अगर हो तो, या फिर आपको ईमेल मिले, तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।